हेलो फ्रेंड्स, ज्योति के पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल राजगिरी पंजीरी, इसे हम चौलाई की पंजीरी भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कप मेजरमेंट के लिए सेट कर लेंगे। मैंने इस कप से 4 कप चौलाई ली है। ये मैंने भुनी हुई चौलाई ली है जो आसानी से बाजार में मिल जाती है। 4 कप मैंने चौलाई ली है तो 1 कप हम चीनी लेंगे, बिल्कुल सेट के हिसाब से लेंगे। देखिए 1 कप चीनी ली है मैंने, अब हम उसका 1/2 कप पानी डालेंगे। देखिए जब तक हमारी चाशनी बन रही है, जब तक हम अपनी बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर देते हैं। देखिए ये पंजीरी बहुत जल्दी बनके तैयार होती है। अब देखिए हमारी चाशनी होने वाली है। जब एक तार आने लगे, देखिए तार आ गया, अब हम इसमें अपनी सब चौलाई डाल देंगे। ये पंजी झटपट से तैयार हो जाती है बहुत कम समय में। देखिए अब इसे हम अच्छे से लगातार घुमाते रहेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसे एकसार करके, हमने इसे एकसार कर लिया है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब पंजीरी हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी फिर हम इसके पीस करेंगे। बहुत जल्दी से झटपट बन जाती है पंजीरी, बहुत हेल्दी पंजीरी है, बिना घी के पंजीरी बनी है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। देखिए पंजी हमारी सेट हो चुकी है, 1/2 घंटा हो चुका है मुझे। अब हम इसके पीस करेंगे। पीस आप अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छे लगे वैसे कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर पीस काटे हैं। अब हमारी पंजीरी पूरी तरह बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी जन्माष्टमी।